जाके तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी से पहली बार आया ओके। दोस्तों, क्या आप भी अपनी फ़ोटो के साथ कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो खुद से? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का वीडियो कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको सिर्फ काइनमास्टर ऐप का जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों, काइनमास्टर ऐप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग मुझसे कोई भी वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हो तो दोस्तों मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना। सिंपली से दोस्तों आपको काइनमास्टर ओपन करके आपको क्रिएट में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन दोस्तों देखने को मिलेगा, इनपुट प्रोजेक्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको इनपुट प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट ऐड करना है जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली से दोस्तों आपको क्या करना है, जो रेड वाला हिस्सा है दोस्तों इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आपको एक मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक लिरिक्स ऐड करना है जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों लिरिक्स ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा आगे आना है। आगे आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस पोजीशन में आने के बाद आपको दो उंगली से कुछ इस प्रकार से जूम करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक करके आपको टच करना है। और टच करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर आपको जो मीडिया ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर जाके आपको दोस्तों फ़ोटो ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक फ़ोटो आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको फ़ोटो को ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फ़ोटो में क्लिक करना है। नेक्स्ट फ़ोटो में क्लिक करने के बाद फिर से दोस्तों इस मीडिया ऑप्शन में जाके आपको दोस्तों फ़ोटो ऐड करना है। इसी तरह दोस्तों आपको फ़ोटो जो है दोस्तों वीडियो के एंड तक आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सभी फ़ोटो को दोस्तों ऐड कर लिया हूँ। और दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से एनिमेशन जो मैंने क्या क्या ऐड किया था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, जो दोस्तों आपको फर्स्ट फ़ोटो में पहले क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक ग्राफिक में ऐड करना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्लिक ग्राफिक दोस्तों आपको ऐड करना है जिसका नाम है दोस्तों इन एनिमेशन। और आपको 33 सेलेक्ट करना है पहले फ़ोटो में। नेक्स्ट फ़ोटो में दोस्तों आपको क्लिक करना है और क्लिक ग्राफिक में जाना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दोस्तों देखने को मिलेगा, कॉल मी डीजे इफेक्ट। और दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर 2 सेलेक्ट करना है। दोस्तों नेक्स्ट फ़ोटो जो थर्ड नंबर फ़ोटो है दोस्तों आपको क्लिक ग्राफिक में जाके होलियन पार्टी इफेक्ट आपको ऐड करना है नंबर 10 को। दोस्तों कॉल मी डीजे इफेक्ट और होलियन पार्टी इफेक्ट आपको बीट स्कैन ऐप से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा काइनमास्टर में। वो कैसे इंस्टॉल करना है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। फिर से दोस्तों आपको वही प्रोसेस चालू रखना है जो कि दोस्तों इन एनिमेशन क्लिक ग्राफिक आपको 33 सेलेक्ट करना है। इन एनिमेशन जो है दोस्तों आपको इस होम वाले आइकन में आपको मिल जाएगा जो कि दोस्तों आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो कि दोस्तों आप पहले देख सकते हो यहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको एनिमेशन ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप फोटो का लेंथ कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट फोटो में क्लिक करना है और लेयर ऑप्शन में जाना है। मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको एक पार्टिकल वीडियो ऐड करना है। दोस्तों पार्टिकल वीडियो ऐड करने के बाद इसको दोस्तों फिल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों पास वाला वॉल्यूम ऑप्शन में जाके इसका म्यूजिक म्यूट करना है। नीचे दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का और आपको स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद वीडियो के फर्स्ट पोजीशन में आना है और लेयर ऑप्शन में जाना है। दोस्तों यहाँ पर आपको मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको एक PNG बॉर्डर ऐड करना है। दोस्तों PNG बॉर्डर ऐड करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से इसको फिल स्क्रीन करना है। और दोस्तों आपको इसको ले चल जाना है वीडियो के एंड तक। एंड तक ले जाने के बाद दोस्तों मेरा वीडियो रेडी हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार सॉन्ग के साथ प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से मेरा वीडियो एडिटिंग हुआ है। तो दोस्तों देख रहे हो बहुत ही अच्छे से मेरा वीडियो रेडी हो गया है। दोस्तों अगर आपको इस टाइप के वीडियो एडिटिंग करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर दोस्तों आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था।